आ जाती है तो हमारी इनकम के अंदर काफी सारा बदलाव आ जाता है। काफी सारे ऐसे फैमिलीज के हैं जिनके घर पे इनकम का फ्लो रुक चुका है। यस फ्रेंड्स, हम सभी लोग कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जहां से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। यस, यहाँ पे हर एक बंदा जो बैठा हुआ है वो यही सोच रहा है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी को बदल के रख दूँ। दोस्तों, आज यहाँ पे आपको जिस किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उनपे एक बार धन्यवाद कर देना, क्योंकि आज जो जो मौका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है वो मौके ने काफी सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाया है। वो मौके को डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आप ये मौका, आप ये वेबिनार अटेंड कर ही रहे तो इसे लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। बीच बीच में कोई बंदा स्क्रीन पे स्क्रैच आउट नहीं करेगा, कोई बीच बीच में सवाल नहीं करेगा और अपना माइक म्यूट रखेगा जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। यस फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए कि यहाँ पे ऐसे जबरदस्त शख्सियत को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि जिनके बारे में बताना चाहूंगा, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और उन्होंने उनकी जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करनी और आज उनके साथ चलते हुए उनका काफी सारा बिजनेस बिल्ड भी हो रहा है, काफी सारे लोगों को उन्होंने चेंज भी किया हुआ है। ही इज अ ग्रेट अपलाइन, इज अ ग्रेट मेंटर उनको हम कहते हैं, और उनकी वजह से काफी सारे लोग आज अच्छी से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी एक लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा वो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। मिस्टर बंकिम चौधरी सर, वेलकम सर। थैंक यू ब्रिदर सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्लीज रिप्लाई दे दीजिए कोई भी। मेरी आवाज आ रही है ब्रिदर सर? यस सर, आ रही। ओके थैंक यू सर। दिस इज बंकिम चौधरी और आप सभी का मैं फिर से एक बार इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम बंकिम चौधरी है और सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैंने MSW तक पढ़ाई की है और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था और तभी मुझे वर्ल्ड की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑक्सीजन एसेंशियल के बारे में जानने का मौका मिला और मुझे एक बात पता चली कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि तो मुझे इनकम कैसी कितनी करनी है, मुझे जिंदगी कैसी जीनी है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मेरा घर कैसा होगा, ये सारी चीजें मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होने से या थोड़ी बहुत जानकारी होने से हमें उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जैसे आज आप देखिए कि क्रिकेट है, हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता है तो वहां से हमें कुछ इनकम नहीं आ रही, लेकिन वही क्रिकेट से मतलब मैं विराट कोहली 150 करोड़ कमा रहा है। तो दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला आधा घंटा हमें 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हम सब लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं अगला, दूसरा मौका मिलता है तो ये नहीं अगला, पर जब मौका चला जाता है तब हम ये सोचते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता, और उसके बाद हम अफसोस करते रहते हैं। दोस्तों यदि आपके आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया है कि काश मैंने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी में कुछ और होता, तो दोस्तों आज के बाद ये सोचना ना पड़े, इसलिए हम इस सेशन को पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हम अटेंड करेंगे, समझेंगे, और कोई चीज समझ में नहीं आती फिर भी हम स्किप नहीं करेंगे, इसको 100% अटेंड करेंगे। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि दोस्तों कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में हमने कई सारे ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना किया। कई सारे लोगों को देखा कि जी जो जॉब कर रहे थे, अच्छी इनकम कर रहे थे, लेकिन इनकम कम हो गई, सैलरी कट हो गई या जॉब ही चली गई। ट्रेडिशनल बिजनेस में कई सारे लोगों को देखा होगा हमने,
जिसका मतलब बहुत अच्छा सा सेटअप था बिजनेस, मतलब वो पीढ़ियों से बिजनेस रन कर रहे थे, लेकिन उसका शॉप ही नहीं ओपन हुआ, इनकम बंद हो गया। यानी जो अच्छा सा सेटअप था वो सेटअप ही पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो आज हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि आने वाले कल में, ये पिछले 1.5-2 साल तो हमने जैसे तैसे बिता दिए, लेकिन आने वाला दौर कैसा होगा, मेरी इनकम किस तरह से बढ़ेगी, यदि आने वाले कल में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका सामना करने के लिए मेरे पास बैलेंस कैसे रहेगा। तो यदि आप ये सारी चीजें सोच रहे हैं और आने वाले कल में कुछ नई अपॉर्चुनिटी के बारे में तलाश कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, पार्ट टाइम में कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टूडेंट है और सोच रहे हैं कि मुझे खुद का खर्चा उठाना है, जॉब पर्सन सोच रहे हैं कि अभी तो मैं कुछ नया नहीं कर सकता लेकिन जॉब के साथ एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो अच्छा है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट मिनट। आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है लिव लाइफ किंग साइज, कि आज हर कोई ये सोचता है कि मेरी जिंदगी राजा की तरह हो। राजा तो छोड़ो, राजा को साहब हम शायद हमने नहीं देखा होगा, लेकिन हम जब मूवी देखते हैं तो जैसे मतलब में जिस तरह से कोई मतलब में हीरो होता है या मतलब किसी की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होती है, तो हम ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी भी वैसी होनी चाहिए। दोस्तों वो जिंदगी आपकी हो सकती है, वो लाइफस्टाइल आपकी हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का हमें चुनाव करना पड़ेगा, हमें फैसला करना पड़ेगा। दोस्तों वापस एक बार बता रहा हूँ कि ये सेशन को हमें समझना है, ओपन माइंडेड अटेंड करना है। यदि कोई चीज ध्यान समझ में नहीं आ रही है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अपने आप से ही लेना है, क्वेश्चन भी अपने आप से आपको पूछना है, आंसर भी अपने आप से ही लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद करंट प्रोफेशन एंड इनकम। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई अदर प्रोफेशन में हो, तो क्या उस प्रोफेशन से आप सेटिस्फाइड हो? यदि आंसर समझ में ना आया तो अपने आप से पूछिए, आपकी जो भी आमदनी आ रही है, यदि मतलब में आपको ये बोला जाए कि आपको 2 महीने तक मतलब में वो कोई इनकम नहीं आएगी, फिर भी वो आपका आपको काम करना है तो फिर भी आपको खुशी मिलनी चाहिए, उसी को सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, कि आप उससे आप सेटिस्फाइड हो। दूसरी, यदि आप सेटिस्फाइड हो तो आपकी जो भी इनकम आ रही है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो? कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है यार ये लेना है लेकिन अगले महीने ले लेंगे, मंथ एंडिंग में हम सोचते हैं कि मतलब मैं वापिस मतलब मैं जेब खाली हो गया, अकाउंट खाली हो गया, अगले महीने मतलब मैं ध्यान में आ रहा है, तो अपने आप से ये पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, जो बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, मैंने उसका चुनाव क्यों किया था? आज से जब 5 साल या 10 साल पहले जब मैं उस जॉब में या उस बिजनेस में आया था तो उस दिन मैंने क्या सोचा था कि जैसे ही जॉब लगी या मेरा बिजनेस स्टार्टअप हुआ तो आने वाले 2 साल में मैं अपना उस तरह से सेटअप कर दूंगा कि मेरा जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये सोच के आप जिस बिजनेस में आए थे, जिस जॉब में आए थे, क्या वो सॉल्व हो गए? यदि आप नया स्टार्टअप कर रहे हो तो अपने आप से ये पूछिए कि आने वाले 2-5 साल यदि आप वही काम करते हो, मतलब कि आप जो जॉब कर रहे हो वही जॉब आने वाले 5 साल तक करते हो, आपका जो बिजनेस है वही आने वाले 5 साल तक रन करते हो, जो भी प्रोफेशन में हो वही आने वाले 5 साल तक आप रन करते हो, तो क्या उससे आपके जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या वो सारे सॉल्व हो जाएंगे? अपने आप से पूछिए, यदि सॉल्व हो रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? कि सुबह उठना, नहा धो के काम पे जाना, शाम को आके खाना खा के सो जाना, यही मेरी जिंदगी है या मेरी जिंदगी का कुछ पर्पस भी है? ऐसा कुछ सोचा है आपने कि जब आप इस दुनिया से जाओगे उसके बाद आपको लोग किस चीज की वजह से जानेंगे? जैसे आप देखो कि पिछले 1.5 या 2 साल में कितने ऐसे लोग थे जो इस दुनिया से चले गए, लोगों ने 10-12 दिन तक याद किया, उसके बाद मतलब उसका फैमिली भी उसको भूल गया। तो ऐसा तो मैं क्या करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करने चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है?
आज हम ये सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, फैमिली के सपने पूरे करने हैं, लेकिन वो सपने के सपने ही रह जाएंगे जब तक उसको हम गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरी जिंदगी का मैं भी प्लानिंग करूं? आप ये सोचिए कि यदि आप कहीं घूमने जाने का प्लानिंग करते हो तो आपके पास कितना सारा प्लानिंग होता है, मैं कितने दिन में जाऊं, कितने दिन का मेरा टूर रहेगा, कितना खर्च होगा, हम कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, हम मुझे क्या क्या साथ में लेके जाना है, मेरा ट्रैवलिंग किस तरह से होगा, ये हम पूरा प्लानिंग करके निकलते हैं। लेकिन क्या मैंने मेरी जिंदगी का प्लानिंग किया है? आपने कब ये सोचा कि आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी रहेगी, आपका परिवार की लाइफस्टाइल कैसी रहेगी? यदि नहीं सोचा है तो आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आप अपने आप से ये पूछिए। दोस्त ये बताना चाहूंगा कि आने वाली 20 मिनट बाद हम साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये दूसरे नंबर की बात है। लेकिन यदि इन क्वेश्चन के आंसर यदि आपको मिल गए तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन यदि आप जिसको भी जानते हो उसका आप इंटरव्यू पढ़ लेना, वो इसलिए सफल हुआ है क्योंकि उसको पता था उसको जिंदगी में चाहिए क्या। तो ये आपको अपने आप से पूछना है। मैं थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आज हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या है। मेरे पास टाइम होना चाहिए मैं अपने परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरे परिवार का छोटा बड़ा कोई भी काम पैसों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। वो हो सकता है वो घर बनाने का, हो सकता है वो मेडिकल इमरजेंसी, हो सकता है मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, कुछ भी मतलब मैं पैसों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। थर्ड मतलब नॉर्मली हम क्या समझ लेते हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। दो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आज जो कमानर बंदा है, आप सोचिए यदि आप मतलब में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, महीने का 20,000-50,000 रुपया कमा रहे हो, घर में 50,000 दे रहे हो और आपकी जिंदगी अच्छे से कट रही है, लेकिन आने वाले दौर में यदि आपको 6 महीने 1 साल बेड रेस्ट करना पड़े तो क्या फिर भी वो इनकम आएगी? यदि हमें कुछ होता है, हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद भी क्या वो इनकम कंटिन्यू रहेगी? दोस्त इनकम बंद होगी लेकिन खर्चे कभी भी रुकने वाले नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा सेटअप करना है कि मैं काम करूं या ना करूं, इस दुनिया में रहूं कि ना रहूं, मेरे घर पे मुझे जितना चाहिए, हो सकता है वो 20,000 हो या 50,000, वो आना चाहिए। और ये तीनों चीजें होगी तभी हम जिंदगी को इंजॉय कर सकेंगे, लाइफ स्टाइल से जी सकेंगे। लेकिन दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिसके पास ये सारी चीजें हैं। 97 का क्या है, आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हैं लेकिन मनी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिसकी अच्छी इनकम है, 2-5 लाख रुपए कमा लेते हैं लेकिन घर पे 1 घंटा शांति से बैठ भी नहीं सकते। तो दोनों चीजें है तो सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे आप अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ पे हो, 3% में हो या 97 में हो? यदि 97 में हो और 3% में आना चाहते हो तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी 3% में लोग है वो भी एक दिन 97 में ही थे लेकिन उन्होंने 3% में जाने का चुनाव किया, एक फैसला किया। आज हमें भी एक फैसला करना है यदि आप 3% में जाना चाहते हो। हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि आज हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या। मेरे बच्चों को एक बढ़िया एजुकेशन मिले, मेरे पास मेरे सपनों का घर हो जहां से मैं अपने परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय करूं, मेरे पास खुद की एक लग्जरियस कार हो, मैं भी दुनिया घूमूं, ऐसे कई सारे डेस्टिनेशन है जो देखने लायक है लेकिन हम अपने काम से बाहर निकल ही नहीं सकते। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब क्या है समझना दोस्त, कि आप मतलब मैं सस्ती नहीं अच्छी चीज जो आपके बजट में आए वो नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो परचेस करो। जैसे आपको जैसा घर चाहते हो वैसा आपका बने। आप अपने बच्चों को जहां पे पढ़ाना चाहते हो वो सबसे अच्छा एजुकेशन आप दिला सको। आपको जो कार अच्छी लगती है वो परचेस करो। आपको जहां घूमना जाना अच्छा लगता है वहां पे आप घूमने जाओ। आपको जो भी मतलब में परचेस करना है तो आपको MRP देखने की जरूरत ना पड़े, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम। अब ये सोचिए कि क्या वाकई में मैं ये सारी चीजें चाह रहा हूं? और यदि सारी चीजें मुझे वाकई में चाहिए और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो वो क्यों अचीव नहीं हो रही? और इसके पीछे का रीजन है हमारी इनकम बहुत ही कम है। हम जो भी इनकम कर रहे हैं उससे हमारा महीने का गुजारा ही निकल रहा है,
मेरे ईएमआई ही कंप्लीट हो रहे हैं मेरे महीने का, मतलब मैं महीना खत्म होते होते मतलब मैं कहीं से मुझे अरेंजमेंट करना पड़ता है और सपनों को मुझे भूलना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको वापस एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ आगे कितने साल तक कंटिन्यू करनी है। यदि आप चाहो तो आज से ही ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ आप छोड़ सकते हो, यदि आप चुनाव करते हो मुझे इस जिंदगी से निकलना है तब। अब बात करते हैं कि 3% लोगों ने ऐसा तो क्या किया कि वो मतलब में 97 से 3% में आ गए, तो उन्होंने ट्रेंड को पहचाना दुनिया किस ओर जा रही है। यहाँ पे पीपीटी पे आप देख सकते हो कि एक वक्त था 1980 ग्रीन रिवोल्यूशन, 1990 पेट्रोलियम रिवोल्यूशन, 10 साल बाद आईटी रिवोल्यूशन और अभी का जमाना है हर्बल रिवोल्यूशन। आप टीवी ऑन करोगे 10 में से 7 से 8 एडवर्टाइजमेंट हर्बल की आ रही है। बाबा रामदेव को आप देखिए, 10 साल पहले आप जानते भी नहीं थे, आज 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। समझना दोस्त है कि जब ट्रेंड बदलता है तो अमीर कौन होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन में खेडूत अमीर नहीं हुआ, वो तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री, दवाई की इंडस्ट्री, खाद की, बीज की, या मतलब में जो भी मतलब में इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो जिसने मैन्युफैक्चर किए वो लोग अमीर हुए। पेट्रोलियम रिवोल्यूशन में जिसने पेट्रोल पंप डाला, रिफाइनरी डाली, वो अमीर हुए। आईटी रिवोल्यूशन में जिसने भी आईटी के साथ स्टार्टअप किया, फेसबुक, व्हाट्सअप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारी वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, बिल गेट्स, ये सारे लोग अमीर हुए। जो भी यूजर है वो वही के वही रहे। और इसी तरह से हम सिर्फ और सिर्फ मतलब में हम यूजर ही बने रहे। जैसे मतलब मैं पतंजलि से पहले भी मैं अदर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर ही रहा था, लेकिन मैंने एक ब्रांड चेंज किया और वो बंदा 20,000 करोड़ तक पहुंच गया और मैं तो वही का वही ही रहा। अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना पड़ेगा। अब उसमें भी देखने जाए तो कॉस्मेटिक इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। मतलब क्या कि मुझे घर में पहले नंबर पे खाने की चीज चाहिए और दूसरे नंबर पे कॉस्मेटिक चाहिए। और इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट क्योंकि 65% यूथ है, 25 करोड़ फैमिली। यदि 2 से 2,500 का भी यदि एक्सपेंस कॉस्मेटिक के ऊपर होता है, जिससे मैं जो डेली यूज कर रहा हूँ टूथपेस्ट, ऑयल, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, लोशन वगैरह, तो यदि मतलब मैं देखने जाए तो पूरे इंडिया में 20 मिलियन से ज्यादा टर्न वाली 2025 तक करने वाली है। यानी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अब समझना कि जैसे जैसे कोई भी इंडस्ट्री बड़ी होती है तो उसके साथ मतलब प्रॉब्लम्स भी आते हैं और अपॉर्चुनिटी भी आती है। अभी प्रॉब्लम क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, ये दोनों चीजें हम बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो भी कॉस्मेटिक ब्रांड 80% जो इंग्रीडियंट यूज कर रही है, जैसे मैं जो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ, सॉप यूज कर रहा हूँ, तो उसमें अलग अलग तरह के मतलब इंग्रीडियंट डाले जाते हैं, तो उसमें 80% ऐसे है जो सेफ्टी के तौर पर टेस्टिंग ही नहीं होते। मतलब क्या कि जैसे आज मैं जिस साबुन से नहा रहा हूं, तो यदि मैं आने वाले 20 साल तक वही साबुन से नहाऊंगा तो उससे मेरे स्किन में क्या प्रॉब्लम होगा वो टेस्टिंग ही नहीं होता। और एक रिसर्च में ये पाया गया 99% ब्रेस्ट कैंसर में से पैराबेन पाया गया, और इंडिया की 99 ब्रांड ऐसे जो पैराबेन का यूज कर रही है। अब ये पैराबेन क्या है, कभी आपने सुना है? आप गूगल में आप सर्च कर सकते हो। ये प्रिजर्वेटिव केमिकल है जो कॉस्मेटिक ब्रांड में जो भी मतलब में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 6 महीने में बिगड़ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक टिकी रहे उसके लिए पैराबेन डाला जाए। वो 5 साल 6 साल तक मतलब में उसका स्मेल भी नहीं चेंज होता, उसका कलर भी चेंज नहीं होता, रिजल्ट भी सेम रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन वही यदि आने वाले 5 साल 10 साल तक 20 साल यूज करता हूँ तो उससे इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे शायद आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मुझे पता है कि यदि मैं आज निर्मल मिराज गुटखा खाऊंगा तो 20 साल बाद कैंसर हो सकता है, वो आज ही होने वाला नहीं है। उसी तरह से जो प्रॉब्लम आज गवर्नमेंट भी बता रहा कि पैराबेन मतलब में हमें यूज नहीं करना चाहिए। जागो का आप देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे, जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ब्रेन इंजरी, इनफर्टिलिटी, हॉर्मोन इम्बेलेंस, बर्थ डिटरमेंट, हेडेक, एलर्जी, किडनी, लीवर डैमेज,
इंसोमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं और इसके पीछे का रीजन हम जो डेली डे बाय डे में जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट से लेके ऑयल, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट, बॉडी पेस्ट, ये जो भी हम अपने बॉडी में यूज कर रहे हैं उसी का नतीजा ये। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम तो है ही। अब ये सारी प्रोडक्ट आप यूज करना बंद कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आप ये सोच सकते हो कि आज से कल से मैं ब्रश करना बंद कर दूंगा, मैं नहाना बंद कर दूंगा? तो हम अभी इसको अपनी जिंदगी में हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आज से 5 साल पहले जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई, ऑक्सीनाइन एसेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड है जिसने पैराबेन फ्री क्लॉग लॉन्च किया। ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जो मतलब मैं सूरत में है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बड़ोड़ा मंजूसर जीआईडीसी में, हम अपने खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम बात करें तो हम मतलब अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे परफ्यूम, फेस केयर, स्किन केयर, आई केयर, ब्यूटी केयर, इस तरह से 70 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट रेंज है। 2 मिलियन से ज्यादा हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर, हमारा खुद का R&D है, हम खुद मतलब में रिसर्च करते हैं, हमारा खुद का माइक्रोबायोलॉजी और स्टेबिलिटी टेस्टिंग लैब है। ऑल ओवर इंडिया में हमें 600 से ज्यादा पिन कोड पे हम अपना फ्रेंचाइज हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में हम मतलब बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी ये आने वाले कल में और बढ़ने वाला है। तो इससे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें ये प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए। तो हम अपने प्रोडक्ट में हार्मफुल एंड बेंडिंग इंग्रेडिएंट, मतलब क्या कि जिससे हमारे स्किन को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ऐसे प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर रहे। हम अपने प्रोडक्ट में सिंथेटिक डाई, मतलब क्या कॉस्मेटिक खाने की चीज नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि उसमें 30% ही ओरिजिनल कंटेंट होते हैं और 60-70% सिंथेटिक डाई मतलब मिक्स कर देते हैं। वो हम नहीं कर रहे। हम एनिमल के पार्ट का भी हम यूज नहीं कर रहे। हम एंटी एनवायरमेंट, जिससे पर्यावरण को हार्म हो, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। हम अपने प्रोडक्ट में कुछ छुपाते भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात गलत दावे नहीं करते। जैसे आज हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं तो हमने किसी का गलत दावा ही देख के आए हैं। जैसे मैंने टीवी में एड देखा, 7 दिन में गोरे, टेंशन का रामबाण इलाज, आज तक कोई गोरा भी नहीं हुआ, किसी का टेंशन भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसी गलत बातें नहीं कर रहे, जो रिजल्ट मिल रहा है वही बात करें जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हमारा ब्रांड प्रॉमिस है। जैसे हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो कस्टमर सेंट्रिक होगा, 100% ह्यूमन सेफ होगा, टॉप क्लास क्वालिटी, राइटली प्राइस और सेटिस्फेक्शन की गारंटी। आप जैसे यूज करोगे आपको लगेगा मजा आ गया। अब प्रोडक्ट रेंज की कैटेगरी की बात करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ हमारे क्लेम है, जैसे सल्फेट फ्री, LLP फ्री, पैराबेन फ्री, GMP सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, ISO, WHO सर्टिफाइड, 100% वेज है। कैटेगरीज की बात करें तो ओरल केयर है, मेंस केयर, हेल्थ केयर, परफ्यूम केयर, बॉडी केयर, फेस केयर, फिर फेस केयर, हेयर केयर, मतलब कि हमारे ये सारे प्रोडक्ट ट्रीटमेंट बेस्ड है। जैसे यदि बाल झड़ने के प्रॉब्लम है तो उसके लिए, यदि दांत का प्रॉब्लम है तो उसके लिए, फेस पे मतलब में स्किन या दाग धब्बे का प्रॉब्लम है, यानी स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर के फुल टेस्टिमोनियल है, जिन्होंने फोटो लेके हमें भेजा था, आप उसको मिल भी सकते। बिग प्लेटफॉर्म, जिस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए इस वेबिनार में हम कनेक्ट हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है। इसको यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। जैसे मतलब एक मार्केट होता है ट्रेडिशनल मार्केट, यानी जो हमारे आसपास जो भी मार्केट है, हम जो भी शॉप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट का हिस्सा होती है। मतलब जैसे हम जो भी प्रोडक्ट हम अपने यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से लेके कपड़े से लेके कॉस्मेटिक से लेके खाने पीने की सारी चीजें, जो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होता है वो कस्टमर के लिए बनाता है, लेकिन कस्टमर कभी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता। तो प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे आती है समझना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सबसे पहले उसका ब्रांडिंग होता है, तो उसके लिए सेलिब्रिटीज को हायर किया जाता है। उसके बाद मतलब उस पर एड एजेंसी आती है, एड बनाती है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी, फिर मतलब न्यूज़पेपर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, और इसमें बहुत बड़ा
एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद मतलब में सीएनएफ होता है स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कस्टमर। इसी तरह से मतलब में प्रोडक्ट कस्टमर तक आती है, और ये बीच में जो भी मिडल मैन है वो मतलब में सेवा करने के लिए नहीं है, सबका मतलब में परसेंटेज फिक्स ही होता है। यानी जो प्रोडक्ट 30 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपीज हो जाती है, 60 से लेकर 70% ये मिडल मैन में चला जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक आएंगे, बीच में से सारे मिडल में निकल जाएंगे और ये डायरेक्ट आपको मिलेगा। अब कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 64% की पार्टनरशिप मिल रही है। और किस तरह से मिलेगी, एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे आज मतलब मैं विराट कोहली 1 एड का 5 करोड़ लेता है, सलमान खान 10 करोड़ ले रहा है, तो वो 1 एड का 5 करोड़ 10 करोड़ क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसकी एक लाइन से करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। तो यहाँ से हमें वो इनकम किस तरह से आएगी, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए हमें करना कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो कर रहे वही करना है, सिर्फ अपने बैंक हैबिट चेंज करनी है। मतलब क्या कि जैसे ही आपके घर में कुछ भी खत्म होता है, जैसे टूथपेस्ट खत्म हुआ, ऑयल, फेस वॉश, शैम्पू, बॉडी स्प्रे, बॉडी लोशन, पेन ऑयल, ये कुछ भी खत्म होता है, आप अपने मोहल्ले में या आपके एरिया में जो भी शॉप है वहां पे जाते हो, परचेस करते हो और आ जाते हो घर पर, वापस यूज करने लगते हो, वही करना है, लेकिन उसकी जगह पे आपको ऑक्सीजन के यूज करना है। इतना सिंपल सा काम है, इतना तो कोई भी कर सकता है। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेगी मनी बैक गारंटी के साथ, और सबसे बड़ी चीज कि आपको एक मौका मिलेगा जहां से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे एक लाइन बोल के विराट कोहली 5 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो यहाँ से हम भी वो कर सकते हैं। किस तरह से, तो हमें भी वही एक लाइन बोलनी है, जैसे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास वाले लोग, उसको मैं कुछ भी नया करता हूँ तो बताता हूँ, समझना दोस्त, बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने नया मोबाइल लिया तो मैं अपने स्टेटस पे डालूंगा, मैं कहीं घूमने गया तो मैं अपने स्टेटस पे डालूंगा, मैं नया मूवी देखने गया तो अपने स्टेटस पे डालता हूँ, अपने दोस्त को बताता हूँ, यार इतना जबरदस्त मूवी है मैं दूसरी बार देखने जा रहा हूँ। जो दोस्त है नहीं देखने जाने वाला था, वो भी ये सोचेगा यार दो बार देखने की बात कर रहा है, तो चलो मैं एक बार तो मैं भी देख लेता हूँ। यानी इस तरह से हम बात करते ही रहते। सोचिए यदि आप दो लोग इकट्ठा हुए तो बात क्या करोगे, आप मार्केट में ये नया आया है, वो नया आया है, या ये दुकान में मैं यहाँ तो बहुत अच्छी, यानी ये सारी चीजें हम यही बात करते हैं, और इसी बात से करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। यदि आप पॉलिटिक्स की भी यदि बात कर रहे हो तो पॉलिटिशियन का तो मतलब ना मार्केटिंग हो ही रहा है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हम यदि ऑक्सीजन के साथ वही चीज करते हैं। सिंपल सी बात मैंने अपने दोस्त को बोली कि तू सुबह उठ के जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी जगह पे तू ऑक्सीजन का यूज कर, तुझे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी, साथ में एक मौका मिलेगा जिससे तेरी जिंदगी बदल सकती है, एक इनकम आ सकती है। क्या तू इनकम करना चाहता है? पर इतनी छोटी सी बात यदि मैंने 10 लोगों तक लेके गया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दिन में 10 लोगों तक लेके जाना है, एक महीने में लेके जाना है, या 3 महीने में लेके जाना है। हम मैक्सिमम बात करते हैं, हर संडे सिर्फ एक बंदे को बात करते हैं, यदि 3 महीने में 10 लोगों तक भी लेके गए तो अगले 6 महीने में वो 10 लोग भी इनकम करना चाहेंगे तो 100 लोगों तक जाएगा, 9 महीने में 1,000 और 12 महीने में 10,000 लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी। अब समझना दोस्त ये कितना बड़ा हो सकता है। जैसे जियो जब मार्केट में आया तो वो फ्री में सिम कार्ड दे रहा था, फ्री 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 करके उसने 1 साल 2 साल में 40 करोड़ कस्टमर बना दिए, और उसके बाद उसने बोला कि अब 100 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और उसने 1 साथ 4,000 करोड़ रुपये कमा लिए। अब दोस्त समझना ये बहुत छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आज हर बंदा मिनिमम 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। कैसे कि जैसे मैं सुबह उठता तो टूथपेस्ट यूज करता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ तो सोप, फेस वॉश, ऑयल, शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी स्प्रे, पेन ऑयल, यदि ये सारे चीजें काउंट करेंगे तो एक फैमिली का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन यदि मिनिमम 1,000 भी यदि गिने तो 10,000 लोग 1,000 का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। दोस्त ये बहुत छोटी सी है, क्योंकि कल मैं व्यारा गए थे, छोटा सा टाउन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3 करोड़ का टर्नओवर है। यदि आप पूरे इंडिया में मिलकर भी यदि
यदि 150 करोड़ में से सिर्फ 10,000 लोगों तक, सोचिए सिर्फ 10,000 लोगों तक लेके जा सकते हो, और यदि आपका सिर्फ 5% यदि मिलता है तो आप यहाँ से 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। ये बड़ी चीज, ये बहुत बड़ा नहीं है, इतना ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं, लेकिन उससे आधा भी होता है सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। 10% भी यदि आपका बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, तो 50,000 रुपये महीने का कमा सकते हो। दोस्त ये 1 साल की बात कर रहा हूँ, अब ये 3 महीने का काम यदि आप 1 साल में भी करते, 4 साल बाद भी यदि महीने का 50,000 से लेके 1 लाख रुपया आता है, तो दोस्त आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, एक बार सोचिए। हम आगे बढ़ते हैं कि ये इनकम किस तरह से आएगी। हमें कंपनी टोटल 64% की पैसिव ऑफर कर रही है, किस तरह से? तो सबसे पहले जैसे ही आप स्टार्टअप करते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए 35% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिली। तो लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि नवरात्रि दिवाली पे ऑफर आया और 5% डिस्काउंट, लाइफ टाइम आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। फिर जैसे टर्नओवर बढ़ेगा तो 6 से 15% एक्यूमुलेटिव बोनस, एग्जीक्यूटिव बोनस मिलेगा 5%, 14% सिल्वर एग्जीक्यूटिव बोनस, लीडरशिप, जैसे आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप होती है 14% लीडरशिप बोनस, डायमंड बोनस 1%, 5% RLDP बोनस, 2% न्यू टेरिटरी बोनस, 2% ट्रैवल बोनस, लाइफस्टाइल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, इस तरह से टोटल आपको 64% की आपको यहाँ पर पार्टनरशिप मिल रही है। तो कैलकुलेशन की बात करते हैं, यदि मैं कुछ भी नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जॉब से नहीं हो रहा है, मैं ट्रेडिशनली कुछ शॉप ओपन करूँ, तो हम ये देखते हैं कि यदि 5 लाख रुपया मुझे महीने का कमाना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं यदि 1,000 में कमाना है तो 1,00,000 लगाओ, 1,00,000 में कमाना है तो 1,00,00,000 लगाना पड़ेगा। 5 लाख के लिए मिनिमम मुझे 50 से लेकर 70 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। लोकेशन लोकल ही रहेगा, टाइम डेली 8 से 10 घंटा मुझे बैठना पड़ेगा, मतलब वहीं पे बैठना ही पड़ेगा। मार्केट लिमिटेड है, मैंने सूरत में स्टार्टअप किया तो कोई अहमदाबाद से आने वाला नहीं है। 50 लाख लगाया है तो टेंशन भी है, रिस्क भी है, चला ना भी चले तो सबसे बड़ी चीज, कोई सिखाने के लिए नहीं आएगा, मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही लॉस करना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनकम टेम्पररी है, आने वाले कल में कुछ ऐसा तो मैं शॉप ही ओपन नहीं कर पाया, इनकम बन जाएगी। लेकिन यदि मैं ऑक्सीजन के साथ तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 0 है। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यदि आप पूरे इंडिया में किसी भी कोने में छोटे से गांव में भी रहते हो तो वहां से ऑल ओवर इंडिया आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग हो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि आप जब चाहो कर सकते हो। यदि आपने दुकान खोला और आप ये सोचे मैं जब चाहो तब दुकान ओपन करोगे, ये चलेगा? नहीं चलेगा, आपको लोगों के हिसाब से चलाना पड़ेगा। यदि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो मैं टाइम नहीं है, मैं सुबह मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोल लूंगा, उसके बाद तो वो चलने वाला नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम है, जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है समझना, जैसे आपने फेसबुक ओपन किया, व्हाट्सअप ओपन किया, सोशल मीडिया, आपने अपने दोस्त के साथ चाय के गल्ले पे बैठे रहे जिसकी कोई इनकम नहीं आ रही, ऐसे ही टाइम निकल रहा है। एक सर्वे में ये बताया गया कि एक जितना भी बिजी बंदा हो दिन में 2 से 3 घंटा वो ऐसे ही उसका निकल रहा है, वही आपको यूज करना है। जहां से आपका खर्चा हो रहा था, आप टाइम पास करने के लिए चाय पीने जाते थे, 50 रुपया खर्च कर देते थे, वही से आपका वो 50-100 रुपया सेविंग भी होगा और साथ में आपके यहाँ से इनकम भी बड़ी हो सकती है। मार्केट अनलिमिटेड है, कोई टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं है, और जो लोग किसी बिजनेस से सफल हुए हैं वो हमें सिखाएंगे किस तरह से हमें बिजनेस करना है। इनकम परमानेंट है, क्यों परमानेंट है? क्योंकि कभी ऐसा होने वाला है कि आने वाले कल में लोग ब्रश करना नहाना बंद कर देंगे, ये कभी भी होने वाला नहीं है। लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी फिर भी ऑक्सीजन 300% से ग्रो कर रहा था, क्यों? क्योंकि हम कॉस्मेटिक के साथ है। आज बंदा जिंदा है तो उसको चाहिए, वो किसी भी फील्ड का, वो घर पे बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करोड़पति है या मिडिल क्लास है, उसको चाहिए चाहिए, यानी आपका परमानेंट नेटवर्क सेट हो सकता है, परमानेंट बिजनेस। ऐसा कहा जाता है आपको किसी भी बिजनेस में जाना है तो 4 चीजें देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्यूचर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोग कभी भी कॉस्मेटिक के बगैर रहने वाला नहीं है। मार्केट अनलिमिटेड है, जो मैंने आपको बोला जिंदा है तो उसको चाहिए चाहिए, और मैंने कुछ लगाया भी नहीं है तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है। दोस्त सोचिए,
कि यदि आप महीने का 5 लाख रुपया कमा रहे हो, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले यदि आप मतलब मैं आने वाले 6 महीने में आप 50,000 तक पहुंच गए और आने वाले 2 से 5 साल में यदि आप महीने का 5 लाख तक आप यदि पहुंच गए तो आपके फाइनेंशियली कितने सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी। यदि आपने शुरुआत में 10,000 रुपया कमा लिया तो आपके छोटे 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 काम जो रुक रहे थे वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आपकी इनकम बढ़िया 50,000 तक पहुंचे तो आपके थोड़े थोड़े बड़े जो खर्चे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप 1 लाख तक पहुंचे आपका कार का सपना पूरा हो जाएगा। जैसे उससे आगे बढ़े तो आपका ड्रीम हाउस भी कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे बढ़े तो आप वर्ल्ड टूर भी कर पाओगे। आप जो सोचोगे वो सारी चीजें हो सकती है। आपने जो सपने देखे थे, जो मैंने शुरुआत में बात की थी, आपका बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेगा, आपका परिवार आपके सपनों के घर में रहेगा, आपका परिवार मतलब वर्ल्ड की बेस्ट जगह पे मतलब हॉलीडे इंजॉय करेगा। ये सारी चीजें हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके एक डिसीजन की वजह से। यदि आप डिसीजन ले सकते हो ये सारी चीजें आने वाले कल में आपकी हो सकती है। ये वो सारे लीडर्स है जिन्होंने डिसीजन लिया था। आज से 2 साल पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था। जैसे आप मूवी देखते हो तो जीरो पे होता हीरो, पर जैसे इंटरवल के बाद उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है। कई सारे जैसे मुरुगेश चौधरी सर है, पायल मैडम है, आनंद पांडे सर है वाराणसी, अल्पेश प्रजापति सर है 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, विकास अरैया सर है, जानकी पटेल मैडम है जिसका फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो अपनी पहचान बनाने है, हेमंत श्रीवास्तव सर 1 करोड़ ज्यादा कमा चुके हैं, शुभांगी मैडम पार्लर के साथ स्टार्टअप किया था, संजय चौधरी सर के जिसके पास कुछ नहीं था आज मतलब वो एक लाइफस्टाइल से जिंदगी जी रहे, एक दिन तक चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। मुकेश चौधरी सर, कई सारे सीनियर लीडर्स हैं, सबके तो मैं आपको बात नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि मैं जिस फील्ड में स्टार्टअप करना जा रहा हूँ उस फील्ड का फ्यूचर क्या है, उसमें कितना ग्रोथ है, वो मुझे किस तरह से पता चलेगा, तो उसके लिए मुझे उस फील्ड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अब मुझे मतलब मैं स्टडी या वो भी मुझे पता नहीं है कि वो इंडस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है KPMG, ये पूरे वर्ल्ड की टॉप ऑडिट कंपनियों में से एक है और 50 गवर्नमेंट की बॉडी है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक सर्वे किया था। ये सर्वे के डेटा है, 2009 में ये इंडस्ट्री 33 बिलियन की थी, 2013 में बढ़ के 72 बिलियन की हो गई। अब जिस तरह से इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, अब ये मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ये ग्रोथ बढ़ ही रहा है। तो 2025 में ये बढ़ के 645 बिलियन यानी 64,000 करोड़ को टच करने वाली है। तो आप सोचिए कि वहां से आप कितना अपने घर में लाना चाहते हैं। यदि कैंप तो 2009 में 1 मिलियन लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे थे, 2013 में बढ़ के 5.8 मिलियन और उसी तरह से 2025 में 18 मिलियन लोग की इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी बदल रहे होंगे। 18 मिलियन में से आप एक हो सकते हो या आप नहीं भी हो सकते। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि 3% लोग सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं और 90% कर रहे हैं। आप सोचिए यदि 18 मिलियन में आप आए तो आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो 18 मिलियन के अलावा कई सारे लोग हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे भी आप रह सकते हैं। और थोड़ा डिटेल में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 90 मिलियन से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है और उसमें भी 35% देर कॉस्मेटिक जो है, हर जिंदा बंदा उसको कॉस्मेटिक चाहिए। You and you responsible for your life. क्योंकि यदि आज आपकी जो भी लाइफ है, आपका जो भी मतलब है फाइनेंशियल लेवल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है, आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, कौन से घर में रह रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें आज से 2 साल या 5 साल पहले आपने एक डिसीजन लिया था और उस डिसीजन नतीजा ये है। यदि आपको लगता है कि आपकी जो जिंदगी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी जो इनकम है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आज आपको फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम काम कर रहे वही काम करते रहे तो उससे कल में जो आज तक मिल रहा है वही मिलेगा। यदि मुझे परिणाम बदलना है
तो मुझे कार्य प्रणाली बदलनी पड़ेगी, मुझे कुछ नया स्टार्टअप करना पड़ेगा, मुझे इनकम के सोर्स बदलने पड़ेंगे, मुझे इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों इनकम बढ़ाने का रास्ता मैंने आपको दिखाया। आज आपको एक डिसीजन लेना है। ऑक्सीजन ऑलरेडी 10 साल कंप्लीट कर चुकी है, आज प्रोडक्ट इंडियन ब्रांड है जिसने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया में, और आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी हिंदुस्तान पतंजलि के मतलब ये सारी कंपनी मतलब ये पैराबेंसिली कॉन्सेप्ट को आज कॉपी कर रही है। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आने वाले कल में यदि ऑक्सीनाइन का टर्नओवर बढ़ के 2 लाख 5 लाख वहां से शुरुआत हुई थी और बढ़ के यदि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ यदि 100 करोड़ 1000 करोड़ का होता है तो उसमें से 64% हमें बांट दिया जाएगा। आज पतंजलि 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो उसमें से 20,000 करोड़ में से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो यूजर है ही। मुझे तो मतलब मैं सुबह उठ के ब्रश करना ही है, नहाना ही है, मैं किसी भी फील्ड में हूँ दोस्त समझना। या तो फिर मतलब मैं आप अपने सोसाइटी में जो बंदा है जो सोसाइटी के बाहर जिसने शॉप खोल के बैठा हुआ है उसको अमीर करोगे। जैसे यदि आप महीने का 20,000 रुपया कमा रहे हो और 20,000 में से 2,000 उस बंदे को दे के आ रहे हो तो आपकी सैलरी में से उसने घर भी बनाया है, गाड़ी भी ले ली है, अपने बच्चों को पढ़ाई भी करवा रहा है। आपने जो मेहनत किया है उसी में से वो तो वहीं पे बैठा है। आज आपको चुनाव करना है कि आपको खुद अमीर बनना है या आपके आसपास जो भी सोसाइटी में जो भी दूसरा मतलब ये शौक लेके बैठे हैं उनको अमीर करना है, ये आज आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यूज तो करना है, या तो मैं खुद अमीर होऊंगा, मेरा परिवार मतलब मैं सपनों की जिंदगी जिएगा, या मेरे आसपास वाले जो भी दूसरे लोग हैं वो। यदि आप डिसीजन ले सकते हो, आप सोच सकते हो तो आपके सामने रास्ता है। ये सिस्टम है विजन टू फ्रीडम वो हमें आज मुझे इस काबिल बनाया है कि आपके सामने मैं ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीजन ये विजन टू फ्रीडम सिस्टम ही है। यदि आपके सपने हैं किस तरह से करने का, क्या करने की, ये सारी चीजें हमें सिस्टम सिखाएगी। और दोस्त मैं अपनी स्पीच को यहीं पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ। पर एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है कि जियो जो 2 साल 5 साल पहले जीरो थे, जो हम मूवी में देखते हैं वही सिचुएशन सर के साथ हुई है। 5 साल में कुछ काउंट भी नहीं करते थे, कोई इनकम भी नहीं थी, ऐसी लाइफ भी नहीं थी, जिंदगी में प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं थी, डे बाई डे एक नई नई प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन वहां से चुनाव किया जिंदगी बदलने का, खुद तो जिंदगी बदली और कई सारे लोग सर के गाइडेंस से जिंदगी बदल रहे। आने वाले 10 या 15 मिनट में हम ये सेशन को वाइंड अप करिए, उससे पहले सर से हम मतलब में सर का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन हमने सर को रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें सिर्फ 10 मिनट हमें मतलब में ये बताइए कि आपने ये 2 साल 5 साल में अपनी जिंदगी कैसे बदली। ऑक्सीनाइन अपॉर्चुनिटी तो हमने देख ली है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि हम आने वाले 2 साल में अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते। तो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर संजय चौधरी सर, प्लीज वेलकम सर, आइए और हमें थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच बंकिम सर। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करवाना चाहूंगा और क्लैपिंग करवाना चाहूंगा कि वाकई में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया। एक एक होता है कि जिंदगी के अंदर लोगों को जो है ना